एचएल टीवी न्यूज। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं जिला फतेहाबाद में पहले चरण के चुनाव में टोहाना व फतेहाबाद में अब तक 10 सरपंच और 779 पंच निर्विरोध चुने गए हैं। इस बार गांव बिगड़ के नवनियुक्त सरपंच धर्मवीर को चुना गया है। उन्होंने बताया कि गांव के सहयोग से उन्हें गांव का सरपंच चुना गया है और इसमें 10 पंच भी निर्विरोध चुने गए हैं। फतेहाबाद ब्लॉक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम संतलाल पचार ने बताया कि सर्वसम्मति से पंचायत चुनने पर सरकार द्वारा उचित राशि भी निर्धारित की है, जो कि पूरी ग्राम पंचायत चुनने पर 11 लाख, केवल सरपंच चुनने पर 5 लाख और जिन ग्राम पंचायत में पंच का चुनाव सर्वसम्मति से हो रहा है तो वहाँ 50,000 की राशि दी जाती है। राजेंद्र मदान जी, मैं वार्ड नंबर 1 से ग्राम पंचायत सेकंड से जो निर्विरोध सरपंच चुना गया हूँ। जो मुझे गांव वालों ने आदित्य दिया है उससे मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा, कभी किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा। गांव वार्ड से मिलकर ही मिलजुल कर सभी के सहयोग से काम किया जाएगा। और जो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बिगड़ पंचायत में सेकंड पंचायत में जो भी हमारे मतलब सारी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है उसके लिए मैं गांववासियों का सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हाँ बिल्कुल, एकत्र है सारे इकट्ठे होकर निर्विरोध चुना गया सरपंच। हमने धर्मवीर नामक सरपंच को निर्विरोध चुना है और सभी में इस बात की खुशी है कि निर्विरोध चुनने पर हमारे गाँव का विकास होगा। हमारे बिगड़ सेकंड में कोई किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसमें 10 मेंबर हैं और वो सभी निर्विरोध चुने गए हैं और इसमें गांव वासियों का बहुत प्यार है, भाईचारा है, जो सभी ने मिल बैठ के जो ये फैसला किया एक सराहनीय फैसला है। जो मान सम्मान गांव वालों ने मुझे दिया है मैं इस पर खरा उतरूँगा। और जो भी गांव की समस्या है, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं या लाइट है, पानी है, जो भी समस्या है हम सभी जो है पंचायत मिल बैठ के को करेगी और किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसमें गांव वालों का सहयोग लिया जाएगा। जिन पंचायतों में सारी की सारी पंचायतें जो हैं वो निर्विरोध चुनी गई हैं उनको सरकार 11 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए उस गांव में देगी। और जहां पर जिन ग्राम केवल पंच का चुनाव और बाकी सर्वसम्मति हो गए हैं वहाँ 50,000 रुपये प्रति पंच के हिसाब से मिलेगा। एक पंचायत समिति का वार्ड भी हमारा ऐसा 28 जिसके अंदर की निर्विरोध चुनाव हुआ है, महिला का था वो और उसमें एक महिला चुनी गई है, उनको भी सरकार जो है वो 50,000 रुपए 2 लाख रुपए दे रही है। फतेहाबाद से हलचल टीवी के लिए जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।